ने जा रहा हूं, आंधियों को जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। अमेठी की ये ऐतिहासिक सरजमीन चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। अमेठी वालों, मैं कोई भाषण सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूं। मुझे पता है कि आप अपने चहेते बेटे को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं। सड़कें जाम हो गई हैं और चारों तरफ सिर्फ आवाम ही आवाम नजर आ रही है, जो इधर दाईं तरफ बाईं तरफ सारे लोग खड़े हैं। नहीं दूंगा, मैं राजनीति में हूं लेकिन शायर भी हूं, तो मैं शायरी की जबान में बात करूंगा और आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें राहुल गांधी जी के लिए उन तक पहुंचेंगी। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से वहां मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में यहां माएं बहनें भी आई हुई हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा इस सरकार में पीड़ित हैं। राहुल गांधी जी जिस पंच न्याय की, पांच न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें जिस महिला न्याय की बात कर रहे हैं, वो दरअसल सबसे जरूरी न्याय है इस देश में। और आज बड़ी तादाद में यहां माएं बहने हैं, यहां युवा इकट्ठा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं शायर हूं तो शायरी की भाषा में बात करूंगा। मैं राहुल जी के साथ आ रहा था और देख रहा था कि अमेठी किस तरह से, अमेठी की सीमा जैसे शुरू हुई तो किस तरह से उसने स्वागत किया राहुल गांधी जी का। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, पढ़ूं, आप सुनने के मूड में हैं। दायरे में सिमट के आया है, मेरी पंक्तियां राहुल गांधी जी की यहां मौजूदगी अगर लगे कि सच्ची है तो अमेठी वालों मुझे सुन के बताना। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो। यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे अगली पंक्ति में जो मैं कहने जा रहा हूं। आंधियों को जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। अमेठी वालों, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मैं अमेठी में खड़ा होकर के आज आपसे ये कहने आया हूं, मैं आपके पड़ोसी जनपद का हूं, अमेठी मेरे लिए भी घर जैसा है। आज प्रतापगढ़ ने जब वहां से यात्रा शुरू हुई तो जो ऐतिहासिक स्वागत किया और उसके बाद अमेठी की सीमा में प्रवेश करते हुए जिस तरह आपने स्वागत किया है, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपको सलाम करूंगा। आप यहां पर राहुल गांधी जी की मोहब्बत में आए हुए हैं।